हनुमानगढ़ से खबर है। हनुमानगढ़ टाउन में स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने एमवी एक्ट के लिए चालान काटा। बाइक सी सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए कर रहा था स्टंटबाजी और कार्रवाई के बाद बाइक चालक ने आमजन से की अपील, कहा कि आमजन इस तरह का स्टंट ना अपनाएं। दिनेश कुमार नाम है मेरा। आज मैं पकड़ा गया हूं तो मैं कहना चाहता हूं सभी को कि स्टंट वगैरह ना करें, इनसे दुर्घटना हो सकती है, किसी का नुकसान भी हो सकता है एक्सीडेंट के अंदर। तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि स्टंट वगैरह ना करें। तो मैं स्टंट जयपुर से खबर है। प्रतिबद्धित प्लास्टिक मुक्त राज्य की ओर अग्रसर राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा प्रदेशव्यापी अभियान। घरों, दुकानों और व्यापारी संस्थानों पर किए जा रहे कपड़े के थैले वितरित और एमएनआईटी में प्रतिबद्धित प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ लेकर मनाई हरियाली तीज। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस भाषा को मान्यता देने की पैरवी की। जोधपुर के में काव्य कलरव पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि भाषा की मान्यता को लेकर सवाल उठाया कि इसको मान्यता देने के लिए सबसे पहले राजस्थान में राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से इस भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग करूंगा। प्राप्त नहीं, लेकिन ये तीन भाषा में ऐड ही है जाने दुनिया में दूसरा देश मान्यता दे दे। भोजपुरी ने दुनिया में पांच देश में मान्यता मिली हुई, भोटी ने भी भूटान में, नेपाल में, म्यांमार में, तीनों देश में मान्यता मिली हुई और राजस्थानी ने नेपाल में मान्यता मिली हुई। आज एक सांसद अगर चुनी जाए वो नेपाल में खड़ो और संसद में भोजपुरी में भी जो है शपथ ले सके, वो भोटी में भी शपथ ले सके और वो राजस्थानी में भी शपथ ले सके। लेकिन राजस्थान विधानसभा में जब राजस्थान विधानसभा रे विधायक चुनी जड़े रविंद्र सिंह भाटी मारवाड़ी में शपथ लेवे जब आप खड़ा खड़ा और जोगेश्वर जी ने कहना पड़े कि नहीं भाई हिंदी बोलो। मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन ये तीन जैसलमेर के पोखरण से खबर है। चाची और बहन के साथ घर में मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मारपीट कर वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल। पुलिस ने आरोपी आनंद सिंह को केलावा गांव से गिरफ्तार किया। चाची और बहन के साथ मारपीट करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और मारपीट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करता था और जैसलमेर से इसे गिरफ्तार किया। खबर अजमेर के पुष्कर से है जहां पर पुष्कर सरोवर के पीछे स्थित बने होटल और रिजॉर्ट संचालकों को अवैध निर्माण का नोटिस थमाने को लेकर बड़ी संख्या में होटल और रिजॉर्ट मालिक पुष्कर नगर पालिका पहुंचे जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक से मुलाकात कर नगर पालिका की कार्रवाई से राहत दिलाने की मांग की। गौरतलब है कि पुष्कर सरोवर में मछलियों की मौतों का कारण अवैध निर्माण से पहुंच रही गंदगी को बताया जा रहा था, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में अब नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए। हमारी पूर्व 40 साल से होटल चल रही है, अभी हमको जो नोटिस दिया है अरुण वैष्णव पारासर की खुद की होटल मस्तलाई डूब क्षेत्र में है, वो गलती से प्रशासन की तरफ से वो कन्वर्ट हो गई है, इसको कोई परवाह नहीं है, हमको बार बार गांव वालों को तंग करता है वो। ये होटलों का के लिए नोटिस भेजे उसी का मामला है। किससे मिले थे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो होटलें पुरानी आज 10 सालों से बनी हुई है उनको मतलब जैसे थे वैसे रहने। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की बसान नदी स्थित भारजा एनिकट पर लालसोट से परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए दो युवक नहर में
नहाने के दौरान डूब गए और हालांकि युवक फरहान खान को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सुकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरे युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। सवाई माधोपुर से सिविल डिफेंस और SDRF की टीम को मौके पर बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। फिलहाल युवक को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। आशंका है, खबर है, तो हमने पुलिस प्रशासन को वहाँ पर भेजा है। हम खुद मौके पर, तहसीलदार जी है और हमारे पास में सिविल डिफेंस की और SDRF की टीम भी आ गई है। हम तलाश कर रहे हैं, वास्तविकता का पता लगा रहे हैं। कौन है जो डूबने वाला? कुछ अभी किसी एक छात्र का नाम बताया है। जयपुर के हरमाड़ा से बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से दो बालकों की हुई मौत, मृतकों की अंशदीप और विद्या के रूप में पहचान हुई है। हरमाड़ा पुलिस थाने के पीछे की घटना बताई जा रही है। दोनों बालक नहाने के लिए उतरे थे तालाब में, सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों शव निकाले बाहर। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता और बंद पत्थर की खदान में भरा हुआ था बारिश का पानी। दो बच्चे हैं तालाब के किनारे, उनके कपड़े और चप्पलें पड़ी हुई हैं, तो इसमें हो सकते हैं। इस पर मौके पर आए SDRF और सिविल डिफेंस की टीम आई और ऑपरेशन रेस्क्यू चला करके दोनों बच्चों की जो शरीर है वो मिल चुके हैं, हॉस्पिटल भेजा गया है और यहाँ से बॉडी निकाल चुके हैं। तो क्या नाम बच्चों का, कितनी उम्र थी? एक बच्चे का नाम अंशदीप है, एक का नाम विद्या है और दोनों की उम्र 9-10 साल की। धौलपुर SP सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। पाखंडी बाबा के खिलाफ DST और सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाबा बीमारी ठीक करने और नौकरी लगवाने को लेकर करता था ठगी। बाबा ने एक व्यक्ति को अपमानित करते हुए दी बद्दी बद्दी गालियां और बाबा अपने आप को बताया था श्री कृष्ण का अवतार। बाबा सत्यपाल सरकन खेड़ा के में लगाता था दरबार और मौजीलाल हरजूपुरा बसेड़ी ने बाबा के खिलाफ करवाया था मामला दर्ज और बाबा ने परिवादी से नौकरी लगवाने के लिए थे 1,50,000 रुपए। मुझे नाम जाटा जो हरजूपुरा का थाना बसेड़ी का रहने वाला है, उसने पुलिस थाना सदर पर एक प्रकरण पंजीकृत करवाया था कि श्री सत्यपाल बाबा जो सुतेड़ी थाना मलपुरा आगरा का रहने वाला है, जो श्री कृष्ण भगवान के नाम से दरबार लगा करके मेरे साथ में उन्होंने गांव सरकन खेड़ा में एक दरबार लगवाया था, तो वहां पर उसने नौकरी का झांसा दे करके करीब 1.5 लाख रुपए उसने बाबा को दिए थे। बाबा ने इसको आश्वासन दिया था कि आपकी नौकरी में भगवान से वो करके आपकी नौकरी लगवा दूंगा। पीड़ित बाबा से बार बार संपर्क करता रहा कि महाराज मेरी नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी तो मेरे पैसे को वापस दे दें, लेकिन बाबा ने पैसे वापस नहीं दिए और उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जिस पर सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें बाबा को ट्रेन करके और आज सम्मान चित्तौड़गढ़ जिले की सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप और कार को जब्त किया। पिकअप में परिवहन करके ले जाई जा रही थी 158 पेटी अवैध शराब की और जब्त कर ली गई। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध शराब परिवहन में लगी पिकअप को कार चालक की ओर से स्टॉक किया जा रहा था और लेकिन नाकाबंदी में ज्यादा दूरी नहीं होने के कारण दोनों वाहन पूरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लंबे समय के बाद चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया है उसके विरोध में दौसा से जयपुर तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसके कारण युवाओं में रोष पैदा हो रहा है। अपना विरोध जताते हुए युवाओं का कहना है कि महिला आरक्षण में बढ़ोतरी से बेरोजगार युवकों के भविष्य पर खतरा बढ़ जाएगा।
आरक्षण व्यवस्था भजनलाल सरकार जी के द्वारा रीट लेवल 1 के अंदर लागू करने की घोषणा की गई, इसे वापस ली जाए और इसी संबंध में हमने 1 अगस्त 2024 से दौसा के त्रिमूर्ति गांधी सर्किल तिराहे से हमने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। लगातार 4 दिनों से सभी युवा भाई पैदल चल रहे हैं, आज जयपुर आप पहुँचे हैं और जयपुर की सड़कों पर हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एकजुट हो जाइए, जरूरत पड़ने पर हम और भी बड़ा महा आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं युवा इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, कुठारा गाता युवाओं पर। हम जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो जो पैदल यात्रा है, न्याय यात्रा ही 1 अगस्त से शुरू हुई है और आज 4 अगस्त हो गई है, लेकिन हम लोगों ने इतनी को मतलब समस्याओं को सहन किया है, बारिश में धूप में पैदल चले हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो न्याय यात्रा दौसा से चलकर और जो जयपुर तक हम पैदल न्याय यात्रा निकाली है, हम सब BSTC धारे जो परेशान हैं, क्योंकि उन जो भजनलाल सरकार ने 50% महिला आरक्षण लागू किया है, तब से हमें मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। पिछली भर्ती में मैं 2 नंबर से मेरिट में रहा हूँ। ये 2000 सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, पुलिस ने इनोवा कार से चांदी के जेवरात और नकदी की बरामद, 52.835 किलोग्राम चांदी के बिस्किट और 3,50,000 रुपए जब्त किए गए। जोधपुर से गुजरात के राजकोट की ओर से जा रही थी कार, आभूषणों के बिल और दस्तावेज पेश नहीं करने पर कार्रवाई की गई। राजकोट निवासी मित पटेल और हितेश भाई पटेल गिरफ्तार। रीको पुलिस ने मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। फलौदी के बखरिया गांव बस्ती में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक पिछले 4 महीने से 4 घरों में चोरी की वारदातों को चोर अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले चोरी से लेकर अभी तक एक घटित सभी वारदातों की पुलिस को लिखित में सूचना दी जा चुकी है, बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब हम सबके ही पहरेदारी हमें ही करनी पड़ रही है। ये बकरिया बस्ती है, यहाँ 250 से 300 करीब ढाणियाँ हैं। ढाणियाँ में लगातार कंटिन्यू एक महीने चोरी हो रही है। ये चौथी चोरी है, ये हमारे मामे के घर हुई है और पहले भी 3 चोरियाँ हुई है। आज दिन तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, इससे चोरों का हौसला अफजाई हो रहा है। लगातार कंटिन्यू नहीं, एक महीने में एक चोरी, एक महीने में ऐसा करके चौथी चोरी हो गई है। और हो रहे लास्ट में वही है, 3 चोरी हुई, बाद में मोर ससुरेर हुई। 3 चोरी बस्ती में हुई? बस्ती में हुई। अच्छा, मोर ससुरेर हुई है, जो कोई रिपोर्ट दी, जो कोई जारी हुई कोई कार्रवाई हुई को नहीं है? नहीं हुई। पता ठोक रहा है, कोई रुपये लगा रहा है, हम हाथे का रुपया लगा रहे हैं। जैसलमेर से खबर है, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी पहुंचे रामदेवरा, आगामी भादवा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामदेवरा राम सरोवर तालाब, समाधि स्थल और मेला चौक सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग करने को लेकर राई का समाज एक बार फिर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में आज DRM ऑफिस तक रैली निकालकर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया, साथ ही DRM कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में राई का समाज के लोगों ने नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि निकाली गई रैली के दौरान बड़ी संख्या में राई का समाज के लोग इस रैली में शामिल हुए, तो वहीं पुलिस प्रशासन व्यवस्था सुचारू करने को लेकर बड़ी संख्या में तैनात रहा। आज हमने महापंचायत की रायका बाग के ऊपर, रायका बाग का नाम रेलवे ने समय से सुधारा नहीं, टाइम देके नहीं सुधारा है, और रेलवे ने दादागिरी की है कि उसने वही डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उसके नाम के प्रूव करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड को इग्नोर किया है, कलेक्टर के आदेश को उसने इग्नोर किया है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में मुद्दा उठा, उसका भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए हमने रेलवे के अगेंस्ट में ये निश्चय किया कि हम लोग महा आंदोलन करेंगे। 2 सितंबर को जोधपुर में जबरदस्त महा आंदोलन होगा। आज से हमने रेलवे मंत्री का DRM के सामने पुतला जलाया,
ताकि रेलवे को पता चले ये आंदोलन। खबर बांसवाड़ा से है, जहां के महात्मा गांधी अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नवजात कन्या लावारिस अवस्था में एक बेंच पर पड़ी हुई मिली। वहीं जानकारी मिलने पर मेडिकल स्टाफ हरकत में आया और इसकी सूचना पुलिस चौकी को दी। वहीं बाद में नवजात को शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस इस बच्ची को छोड़कर जाने वाले परिजनों की तलाश में जुट गई। इसके साथ ही चाइल्ड केयर सेंटर को भी सूचना दी गई, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और पूरी जानकारी ली। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों ने भी जागरूकता अभियान का जिम्मा अपने हाथ ले लिया है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के झरेली गांव में संचालित राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थान और प्रावधान झरेली पीईओ सुशीला शर्मा के प्रयासों से गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया। इसके तहत स्कूली बच्चों ने पोस्टर निर्माण भाषण स्लोगन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को बताया। वहीं इसे लेकर बनाए गए नियमों को भी सरल और आसान तरीके से बताया।